बनारस का लंका, वो लंका जहाँ का लंकेटिंग प्रसिद्ध है, या ये कहा जाए कि शाम होते यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो मार्ग जो संकट मोचन की तरफ से आ रहा है। ये संकट मोचन से लंका को जोड़ने वाला मार्ग है, पूरी तरीके से सन्नाटा है, दुकानें बंद, समय लगभग 6 बजे शाम। दूसरी ओर ठीक इससे सटी हुई बात कर लें यदि, तो ये देखिए 80 से आता है रोड और लंका से जोड़ता है। इसका भी कमोबेश स्थिति वही, सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्के लोग जो अस्पताल की ओर या बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। और तीसरी ओर एक रोड और हम आपको दिखाएंगे, रविदास गेट। रविदास गेट के ओर भी आलम लगभग सेम है, एक सा स्थिति है। और दूसरी ओर हम आपको बताते हैं, मेन चलने पे लंका दिखाते हैं आपको। ये लंका का वो हिस्सा है जहाँ पे लोग खचाखच भरे रहते थे, दुकानें आबाद रहा करती थी, लोगों के भीड़ रहा करते थे, लेकिन शाम की लंकेटिंग निश्चित तौर पे आज गायब है। और आज क्या यदि ऐसे कहें कि कोरोना के भय से लॉकडाउन होने के साथ ये दृश्य लगभग आम सा हो गया है। समझा जा सकता है कि ये हालात लोगों के सुख सुविधा के लिए, लोगों के ज़िंदगी के लिए, लोगों के बनाए रखने के लिए, जीवन को सर्वाइव कराने के लिए लग किया गया है। इक्के दुक्के जो लोग दिख रहे हैं, हालांकि लंका तो कई कारणों से जाना चाहता है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण काशिंदु विश्वविद्यालय और काशिंदु विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ उसका चिकित्सालय। लेकिन दूसरी ओर यदि बात किया जाए, यहाँ दुकानदारों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी भी एक अहम भूमिका होती है इस लंका को लंका बनाने में। समझा जा सकता है कि लंका हमेशा और ख़ास करके शाम लंका की खास हुआ करती है। लेकिन आज का शाम जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है, शाम के 6 बज गए हैं, लाइट जल गए हैं, बावजूद उसके यदि देखा जाए तो लोगों की आवाजाही नगण्य है। एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए 80 की ओर से सड़क आती है, सड़कों पे सड़क के कुत्ते, या ये कह लिया जाए आवारा कुत्ते, कुछ इक्का दुक्का लोग। और दूसरी ओर यदि संकट मोचन की ओर की बात करें, तो संकट मोचन की ओर आने वाले सड़क पे और भी स्थिति भयावहक, या ये कह लीजिए कि कोई भी नहीं। हम इसलिए इस जगह को दिखा रहे हैं क्योंकि इस जगह पे लोगों की आवाजाही रहती है, भीड़ रहती है, लेकिन अभी के हालात ये है कि लगभग पसरा हुआ सन्नाटा इस बात का घोतक है कि लोग अपने घरों में हैं। और लोग घरों के में रहने के पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम भी आराम से रहें और आराम से सबको रखें और समाज को भी सुरक्षित करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा।